दोस्तों, एमायरॉन सिरप के बारे में जानेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, कब लेना, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है और इसका कंपोजिशन क्या होता, लेने का सही तरीका क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आप जान जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एमायरॉन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस एक प्रोडक्ट है, एमएल कंपनी का। एमएल काफ़ी ज़्यादा नामी गिरामी कंपनी है और हर डॉक्टर कभी ना कभी इसको प्रिस्क्राइब करता ही है, ठीक है। तो एक प्रकार का हर्बल है, एमायरॉन है, और ये जो है एक प्रकार से ब्लड को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स इसको ज़्यादातर देते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो वहाँ पर इसको लिख दिया जाता है। जो भी आयरन की दवाइयाँ चल रही होती हैं तो एक एमायरॉन सिरप भी लिख देते हैं, और इससे वाकई में बहुत जल्दी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, आदमी का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये जो एमायरॉन सिरप है, ये बेसिकली आपको एमएल फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और 180 रुपये में इसका 200 ml का सिरप मिलता है, और 180 रुपये में ही आपको 30 टैबलेट्स मिल सकती हैं। टैबलेट और सिरप दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है, सेम कंपोजिशन होता है। जिसको टैबलेट सूटेबल लगती है वो टैबलेट लेता है, जिसको सिरप चाहिए वो सिरप ले सकता है, ठीक है ना। और कई लोग इसको सिरप बोलते हैं, कई लोग सिरप बोलते हैं, सबका अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। कई लोग मुझे हर बार कमेंट करते हैं कि भाई आप सिरप बोलते हो, सिरप सिरप बोलो, सिरप बोलो, बात एक ही, ठीक है। सो ये एक प्रकार का हर्बल सप्लीमेंट है ब्लड को बढ़ाने के लिए। और बात करें कि इसके अंदर होता क्या बेसिकली, तो आयरन है, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन्स इसके अंदर डाले गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए कंपोजिशंस की, तो इसके अंदर कुछ हर्ब्स को डाला गया है, जड़ी बूटियों को डाला गया, जैसे कि अश्वगंधा है, द्राक्ष, शतावर, पुनर्नवा, बिदारी कंद, ठीक है, घृत कुमारी, गिलोय, सफ़ेद मूसली, भृंगराज, अलसी, सिंघाड़ा। उसके अलावा पपीते का एक्सट्रैक्ट भी डाला हुआ है इसमें, शुद्ध शिलाजीत है, लौंग का तेल है। ये बहुत सारी रेयर कंपोजिशंस का एक प्रकार से मिश्रण होता है इसके अंदर। अब ये जो कंपोजिशन मैं आपको बताया, ये करती क्या है, इसी को समझेंगे। यूजर्स की बात की जाए, देखो सबसे नंबर वन पैदा दोस्तों एनीमिया, खून की कमी है, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन गिर रहा है, ब्लड बढ़ नहीं रहा है, तो उसमें दे सकते हैं, ठीक है। आरबीसी इंक्रीज़ करता है, ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसमें आरबीसी जो होती है, जो कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकता है, ठीक है। साथ में फटीग को कम करता है, आदमी जो होता है कमजोरी के कारण बहुत थका थका महसूस करता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता, तो उसकी ये समस्या दूर हो जाती है, फिर आदमी को थकावट नहीं होती है, वीकनेस नहीं होती है, हाथ पैरों में ताकत महसूस होती है, ठीक है। प्लेटलेट्स के काउंट को भी बढ़ा सकता है, जिन लोगों को ऐसी समस्या है कि भाई उनकी ब्लीडिंग थोड़ा देर से रुकती है, या ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होती है, प्लेटलेट्स की कमी है, या बोलना चाहिए कि डेंगू का मरीज है कोई मान लो, तो प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया है तब भी इसको चलाया जा सकता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके अंदर पपीता का एक्सट्रैक्ट भी डला हुआ है, ठीक है। एनर्जी बूस्टर की तरह वर्क करता है, एक प्रकार से आदमी के शरीर में एनर्जी आ जाती है, जिसमें सिलाजीत है, सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा, ये सब क्या करते हैं, एनर्जी को मेंटेन करते हैं, स्टैमिना को बढ़ाते हैं, साथ ही और भी कई सारे इनके फंक्शंस होते हैं, तो वो सारे काम होते हैं। इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है, आदमी का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनको बार बार कोई बीमारी हो रही है, इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो ये सारे इसके यूजर्स होते हैं। कुछ सावधानियों को समझ लेते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को, कि भाई क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे और क्या सावधानी रखनी है। तो देखो, अगर बात की जाए प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कोई सावधानी नहीं है, दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश किया है डॉक्टर की सलाह से तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी ले सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है। शराब के साथ अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो नहीं लेना है। कोई दूसरी एलोपैथिक दवाई चल रही है तो और उसके और इसके बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप जरूर से रखें, ठीक है। तो बाकी दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब हर्ब्स हैं। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर हर्ब से हो सकता है कि एलर्जी हो, तो उसको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रेडनेस हो जाना, खुजली चलने लगना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको बंद करें, डॉक्टर से बात करें, ठीक है। डोज की बात की जाए तो इसकी अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो डोज को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके, ठीक है। 1 से लेकर 2 साल का बच्चा है तो उसको आप आधी चम्मच दे सकते हैं दिन में एक बार, ठीक है। तो उसकी जो भी समस्याएं वो ठीक हो जाएंगी, कमजोरी वगैरह दूर हो जाएगी, ब्लड बढ़ जाएगा। 4 से 6 साल का बच्चा है तो उसको आप 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं, लगभग 5 ml, ठीक है। 7 से लेकर 12 साल का बच्चा है तो उसको आप 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को दे सकते हैं, लगभग 10 ml।
और एडल्ट्स की बात की जाए तो उनको 3 चम्मच सुबह लेना, 3 चम्मच शाम को लेना, तो इस तरह से 15 ml एडल्ट्स का डोज होता है। और ज़रूरत यह है कि देखो इसको लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो एज़ पर द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा चलाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह है कि इसका अगर सावधानियों की बात की जाए तो इसको ज़्यादा लंबे समय भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए, खुद से नहीं लेना चाहिए ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों एमायरोन सिरप। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप देख रहे थे ज्ञानी और द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।